नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसीलिए मेरी वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा ताकि आप लोगों को सभी जानकारी मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज हम बताने वाले हैं मेंटल वीकनेस के बारे में, दिमागी कमजोरी के बारे में। खासकर विद्यार्थियों को पढ़ने में याद नहीं रहता है, बड़े में, बच्चे में, बुजुर्ग में, ये सभी के लिए है। दिमागी कमजोरी की यह सर्वोत्तम औषधि है। इस मेडिसिन का नाम है एसिड फास बेन एक्स। जितने एसिड हैं उनका विशेष गुण कमजोरी है, जो इस मेडिसिन में प्रबल रूप में पाया जाता है। पहले दिमागी कमजोरी शुरू हो जाती है, फिर शारीरिक कमजोरी हो जाती है। जिन नवयुवकों का बढ़न यानी वह बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, इस बढ़न के कारण जिन्हें आवश्यकता से अधिक शारीरिक तथा मानसिक श्रम करना पड़ता है, जिन नवयुवकों का बढ़न जल्दी जल्दी होता है, उस बढ़न के कारण उन्हें आवश्यकता से अधिक शारीरिक तथा मानसिक श्रम करना पड़ता है। बीमारियों की मार से वो छीन हो जाते हैं, उनके लिए बड़े काम की यह दवा है। बीमारियों की मार से जो छीन हो जाते हैं और शोक दुख से टूट जाते हैं, बड़े शय से निर्बल हो जाते हैं, उन सब के लिए यह मेडिसिन बहुत ही उपयोगी है। यहाँ तक कि कैंसर के दर्द को भी यह शक्ति संचार करके सहन योग्य उन्हें बना देती है। यह बहुत ही प्रभावशाली मेडिसिन है दोस्तों। इस मेडिसिन का नाम है एसिड फास वैनिक्स। एसिड फास बानिक्स प्रति 4 घंटे दिन में जरूर लेनी चाहिए, ये बहुत ही फायदे करती है। जिनका दिमाग कमजोर हो जाए, स्मृति शक्ति क्षीण हो जाए और उसका मन थका थका सा रहे, भूला भूला रहे, अपने अंदर उन्हें कॉन्फिडेंस ही न रहे, वृद्धावस्था की दिमागी कमजोरी में यह बहुत ही मेडिसिन लाभ करती है। सब इंद्रियां शिथिल हो जाती है। इसका अद्भुत लक्षण यह है कि खाना खाने पर सब प्रकार के कष्ट उस समय के लिए दूर हो जाते हैं। इसका एक और सिम्टम है दोस्तों, शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में डाट सा लगा सेंसेशन ऑफ ए ब्लड फील होता है। सिर में डाट, आंखों में, गुदा में, मूत्राशय में, जिस किसी भी अंग में डाट सा लगा होना। जब ये सब सिम्टम रहे तो एनाकार्डियम 200 2 बूंद 3 में 2 बार लेने से यह रोग चला जाता है। बहुत ही लाभ करती है, ये बहुत ही प्रभावशाली मेडिसिन है, इसे जरूर लें तथा फर्क दें। जो विद्यार्थी को परीक्षा के लिए दिन रात उन्हें मेहनत करने के बाद भी दिमागी थकावट यानी ब्रेन फैग हो जाती है और इस थकावट से उसे परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने का भय खाया जाता है कि मैं पास नहीं होऊंगा। उनको एकदम से ऐसे ही लगता है, मन में वे सोच लेते हैं कि मैं अनुत्तीर्ण हो जाऊंगा। ऐसी हालत में इस औषधि में दिमागी थकावट चली जाती है और इस मेडिसिन का विलक्षण सिम्टम यह भी है कि दिमागी थकावट के साथ कामोत्तेजना भी होती है, यानी सेक्सुअल एक्साइटमेंट भी होती है। मानसिक परिश्रम से व्यक्ति थक जाता है, ग्रीष्म ऋतु की थकावट भी इससे दूर होती है। यदि ये सब सिम्टम रहे तो पिक्रिक एसिड 3 से बहुत ही फायदा होने वाली है, इसे जरूर लें और लाभ उठाएं। विद्यार्थियों की दिमागी थकावट के लिए एक और ही उत्तम औषधि है, उस औषधि का नाम है इथुजा 30। इसमें दिमाग इतना थक जाता है कि वह सोच भी नहीं सकता है, दिमाग पर ध्यान ही नहीं टिकता है, वह सोचता ही नहीं है, दिमाग पर एकदम से उनको ध्यान नहीं टिकता है। इसे भयभीत रोगों की औषधि भी कहा गया है। जो विद्यार्थी एग्जाम के समय बहुत ही भयभीत रहते हैं और इस औषधि की कुछ मात्राएं ही देने से बहुत ही लाभ करती है। ये विद्यार्थी इस औषधि को लेकर खूब पढ़ते हैं और परीक्षा में सफल होते हैं। इस औषधि का नाम है इथुजा 30। इथुजा 30 2 बूंद 3 बार लेने से जो भयभीत होते हैं एग्जाम को लेकर, वो विद्यार्थी को बहुत ही लाभ होता है, इसे जरूर लें और लाभ उठाएं।
हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और हाँ दोस्तों, यदि मेरे वीडियो में नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।